ओके तो अभी हम वापस जाएंगे गूगल एड्स के अंदर। और यहाँ पर साइन इन करेंगे। ओके तो हमने जो किया था वो वीडियो डिस्कवरी तक हमने किया था, तो आज बाकी के एड्स करेंगे हम लोग। हाँ तो यहाँ पर वीडियो कंसिडरेशन हमने किया था, ये वाला वीडियो कंसिडरेशन हमने किया था, तो आज हम करेंगे ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, डिस्प्ले ऐड है और वीडियो ऐड है। तो डिस्प्ले ऐड तो नॉर्मली जो डिस्प्ले ऐड होता है वो, और वीडियो ऐड के अंदर अभी हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है। तो आप ये वाला जो ऐप है यूट्यूब का, जो एक ऑडियो ऐप है, कौन सा है ये वाला, यूट्यूब म्यूज़िक, तो ये आपने देखा है ये वाला यूट्यूब म्यूज़िक। तो इसके अंदर जब आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो बीच बीच में इनके एड्स आते हैं, जैसे जो यूट्यूब के अंदर जो एड्स आते हैं वैसे इसके अंदर भी एड्स आते हैं, लेकिन अभी ये तो ऑडियो है ना, यूट्यूब ऑडियो है, तो इसके अंदर ऑडियो एड्स आते हैं। तो अगर ये यूट्यूब के अंदर अगर हमको ऑडियो एड्स करना है तो ये वाला ऑडियो एड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोनों सेम है, यहाँ पर वीडियो रीच कैंपेन है और यहाँ पर ऑडियो है। तो ये ऑडियो जो है ये वाला यूट्यूब के लिए है, ये जो यूट्यूब ऑडियो है, यूट्यूब म्यूज़िक है बेसिकली, जो ऐप का नाम है प्ले स्टोर पे उसका नाम है यूट्यूब म्यूज़िक, YT म्यूज़िक करके है। तो ये वाला ऐप के लिए यहाँ पर ऑडियो ऐड हम लोग रन कर सकते हैं। तो उसके पास हमारे पास एक MP4 होना चाहिए जो हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास MP4 तो नहीं है, तो हम लोग वीडियो रीच यूज़ करेंगे। अभी इसके अंदर हमारे पास बम्पर एड्स है और स्किपेबल एड्स है और नॉन स्किपेबल एड्स भी है, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी इसके अंदर हमने स्किपेबल एड्स तो रन किया, तो इसके अंदर बम्पर एड्स भी है, तो बम्पर एड्स स्टार्टिंग में आते हैं और ये नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स है और टारगेट फ्रीक्वेंसी तो रीच द सेम पीपल, तो सेम लोगों को हमारा ऐड ज़्यादा बार दिखाने का है, तो ये टारगेट फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेम लोगों को बार बार ये अपना ऐड दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं, अगर वो लोग नहीं लेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा नए नए लोगों को दिखाएंगे तो अपना फ़ायदा होगा। तो इसके अंदर या तो हम लोग ये एफिशिएंट रीच यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर बम्पर और स्किपेबल एड्स होता है और मिक्स ऐड होता है, और ये एक नॉन स्किपेबल ऐड है। हमने स्किपेबल ऐड तो किया, अभी हम लोग नॉन स्किपेबल ऐड हम लोग रन करेंगे, तो देखते हैं वो कैसे होता है। तो वो 15 सेकंड का ऐड होना चाहिए, ठीक है चलो वो यूज़ करते हैं, तो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहाँ पर वीडियो नॉन स्किपेबल और हमारा प्रोडक्ट का नाम ये यूज़ कर लिया। अभी यहाँ पर ये वाला जो है ये CPM ऐड है, ये CPV ऐड नहीं है, वो CPV ऐड जो था वो पहले वाले में था, जो स्किपेबल ऐड था उसके अंदर था, ये नॉन स्किपेबल ऐड है तो इसके अंदर ये CPM है। तो CPM मतलब वो 1000 इंप्रेशंस के ऊपर हमें पैसा देना पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से ये ऐड सस्ता है। तो यहाँ पर या तो कैंपेन टोटल या तो डेली बजट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 500 ऐड कर देता हूँ, या तो 500 थोड़ा कम हो जाएगा, मैं 1000 यूज़ कर लेता हूँ, 1000 हो गया। और फिर बाद में स्टार्ट डेट और एंड डेट हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट डेट जो रहेगा वो मान लो थर्सडे का कल का रहेंगे, और एंड डेट जो है वो सितंबर 30 का हम लोग रखेंगे। और फिर नेटवर्क जो रहेगा, कौन सी जगह पर हमारा ऐड आएगा, तो यूट्यूब के ऊपर आएगा और यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम पे आएगा,
तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी हमारा ऐड आएगा, तो आउटसाइड यूट्यूब एंड गूगल, तो ये हो गया। और फिर लोकेशन कौन से जगह पर हमें हमारा ऐड दिखाना है, तो ऑल कंट्रीज़ इंडिया और एंटर लोकेशन, तो यहाँ पर मुंबई, नवी मुंबई ऐड किया हुआ है, तो इसके बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर पूरा महाराष्ट्र यूज़ करेंगे, या तो फिर बेस्ट ऑप्शन है ये वीडियो को हम लोग इंडिया यूज़ करेंगे तो पूरे इंडिया में दिखाई देगा। और फिर बाद में यहाँ पर लैंग्वेजेस है, तो यहाँ पर ऑल लैंग्वेजेस बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ऑल लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया ऑल लैंग्वेजेस। और फिर रिलेटेड वीडियोस, ऐड वीडियोस रिलेटेड टू योर वीडियो एड्स, तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग रिलेटेड वीडियोस ऐड कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से कोई भी दो वीडियो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये वाला हम लोग कोई देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो ये वाला ले लेते हैं, और दूसरा जो है वो हम लोग ये वाला ले लेते हैं। हाँ, ये वाला ले लेते हैं। तो ये हो गया, दो वीडियो हो गया हमारा, तो इसको डन करते हैं। और फिर प्रोडक्ट फीड, तो जो से गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर जो यूट्यूब शॉ ये गूगल शॉपिंग के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स अगर ऐड किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सर्विसेज है इसके लिए गूगल मर्चेंट सेंटर में मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसके लिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स है, तो कौन से डिवाइस पर हमारा ऐड दिखाना है, कंप्यूटर्स पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे, टीवी पे, तो ये शो ऑन ऑल डिवाइसेस, तभी जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लिमिटेड हो जाएगा, डिवाइस मॉडल्स लिमिटेड हो जाएगा, और नेटवर्क भी लिमिटेड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ये इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग को ऑल डिवाइस चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे। और फिर फ्रीक्वेंसी कैपिंग, मतलब अगर हमारा जो ऐड है वो लिमिटेड करना है, तो इसको हम लोग अगर मान लो कि पैसा बचाना है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी, तो हमारा ऐड एक ही यूज़र को कितनी बार उसके स्क्रीन पे ऊपर आएगा, तो ये उसके लिए है, तो ये उसके लिए हमको ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर ये यूज़ किया तो फिर हमारा जो ऐड है वो हम लोग करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैं बोलूँगा कि मेरा ऐड जो है एक आदमी को एक ही बार दिखाना चाहिए, एक दिन में या हफ्ते में या महीने में, तो मैं बोलूँगा एक हफ्ते में एक ही बार दिखाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ऐड पहुँच सके। और फिर यहाँ पर जो है ये ऐड शेड्यूल, मतलब कौन सा टाइम पर हमारा ऐड रन करना है, ऑल डेज, पूरा 24 घंटा, या मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे। अभी ये वीडियो है तो हम लोग 24 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए हम लोग मंडे टू फ्राइडे हम लोग यूज़ करेंगे, भाई सवेरे हम लोग यूज़ करेंगे, सवेरे 8 बजे से लेके, या सवेरे 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। और फिर सैटरडे संडे जो है हम लोग 24 घंटा रखेंगे। ये हो गया हमारा शेड्यूल। फिर थर्ड पार्टी मेजरमेंट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर ये हमारा ऐड ग्रुप का नाम है, तो यहाँ पर हमारा ऐड ग्रुप का नाम जो था वो यूज़ करेंगे। और फिर बाद में यहाँ पर डेमोग्राफिक्स, तो कौन कौन लोगों को हमारा ऐड दिखाना है, तो यहाँ पर जेंडर में सभी यूज़ करेंगे, हाँ एज के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे 18 to 44, बाकी को हम लोग अनचेक कर देंगे। और पेरेंट्स, तो ये सब कुछ सिलेक्ट करेंगे, हाउस होल्ड इनकम ये भी सब कुछ सिलेक्ट करेंगे। और फिर ऑडियंस सेगमेंट, तो यहाँ पर हमारा ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे कि भाई हम कौन से टाइप के ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमने जो लास्ट में सिलेक्ट किया था ये वो वाला है, तो ये सजेशन में से भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर ब्राउज में से भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन है, करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, फिर हाई स्कूल ग्रेजुएट्स है, बैचलर्स डिग्री है, एडवांस डिग्री है, तो इन लोग को हमारा ऐड दिखना चाहिए। तो उसके बाद में होम ओनरशिप स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर कंपनी साइज़ तो चाहे कोई भी हो, स्मॉलर एम्प्लॉयर को दिखना चाहिए और लार्ज एम्प्लॉयर को भी दिखना चाहिए, वेरी लार्ज एम्प्लॉयर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा,
और इंडस्ट्री हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से इंडस्ट्री को दिखाना है, तो एजुकेशन इंडस्ट्री को दिखाना है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो ये सब लोग को सिलेक्ट कर दिया हमने, और फिर बाद में यहाँ पर रीच मोर पीपल हु आर सिमिलर टू योर ऑडियंस, मतलब हमारे ऑडियंस हमने जो सिलेक्ट किए उसके रिलेटेड अगर कोई ऑडियंस मिलेंगे तो हमें ऐड दिखानी है कि नहीं, तो यस हम लोग को दिखानी है, तो हम लोग ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद में या तो फिर वापस हमने यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, या तो कीवर्ड से, टॉपिक से या प्लेसमेंट से, तो यहाँ पर हम लोग कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे या वेबसाइट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स आ जाएगा। अगर वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पर कीवर्ड हम लोग एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, तो उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है वो हम लोग ऐड कर देंगे, और जो नहीं चाहिए उसको निकाल सकते हैं। ये हो गया, तो अभी इसके अंदर ओके, ये सब ठीक है, किसी का नाम नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ओके, ये हो गया एक कीवर्ड से, फिर दूसरा कीवर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, सब हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अभी इसके अंदर से जो नहीं चाहिए वो निकाल देते हैं। ये हमारा कीवर्ड्स हो गया। उसके बाद में टॉपिक देखते हैं, अगर अपने रिलेटेड कोई टॉपिक है यहाँ पर तो ब्राउज कर सकते हैं, आर्ट्स, ऑटोज, ब्यूटी, बुक्स एंड लिटरेचर, बिजनेस, कंप्यूटर्स, यहाँ पर अपने रिलेटेड, हाँ एजुकेशन में देखते हैं, एजुकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, और रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी तो कोई टॉपिक अपने काम का लग नहीं रहा यहाँ पर। तो ये हो गया, दो टॉपिक हमने सिलेक्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा टॉपिक्स। और फिर प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट जैसे वेबसाइट वगैरह पे, यूट्यूब चैनल वगैरह, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके रिलेटेड जितने भी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस वगैरह आए हैं तो वो सब आ जाएंगे। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल सिलेक्ट करते हैं, तो जिसका सब्सक्राइबर्स 10,000 से ऊपर है उसको सिलेक्ट करना है। छोटे चैनल को सिलेक्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका वीडियो कोई देखेगा नहीं। तो ठीक है, और दूसरे लैंग्वेज का सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। हिंदी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश बेटर ऑप्शन है। ओके, ये हमने YouTube चैनल सिलेक्ट कर लिया, फिर YouTube वीडियोस सिलेक्ट करते हैं, तो YouTube वीडियोस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा नहीं करना है। हिंदी में रहेगा चलेगा। ओके,
ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में वीडियो लाइनअप्स, तो इसके अंदर दूसरे कंट्री के लिए है, तो दूसरे कंट्री के लिए हमें नहीं यूज़ करना है, तो वो हमारे काम का नहीं है। फिर वेबसाइट सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन वाले हैं सब वेबसाइट। इम्प्रेशन पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ये वेबसाइट पर, तो यहाँ पर अगर अपना ऐड आता है तो काफ़ी अच्छा है। ये सारे काफ़ी अच्छे वेबसाइट्स हैं। हंड्रेड मिलियन स्काईवे पोस्ट .org। ओके, तो ये हो गया हमारा वेबसाइट का सिलेक्शन। फिर ऐप्स वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ऐप्स के अंदर भी सिर्फ इंग्लिश वाले करने हैं, बाकी लैंग्वेजेस के नहीं करने, हिंदी चलेगा, ये नहीं चाहिए। ओके, ये हो गया, और ये ऐप्स हो गया। और फिर अभी आप कैटेगरीज़ के लिए ये कीवर्ड निकालना पड़ेगा, और फिर अभी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐप स्टोर का बुक्स है, बिजनेस है, कैटलॉग्स है, एजुकेशन है, फिर नेविगेशन है, और प्रोडक्टिविटी, रेफरेंस, शॉपिंग, सोशल मीडिया, तो ये इतने ठीक है। फिर प्ले स्टोर के यहाँ पर बुक्स एंड रेफरेंसेस, बिजनेसेस, कम्युनिकेशन, डेटिंग, एजुकेशन और इवेंट्स और लाइब्रेरीज एंड डेमोज। यहाँ पर और प्रोडक्टिविटी, शॉपिंग, सोशल टूल्स है, ये हो गया। और विंडोज़ में एक ही है, तो वो सिलेक्ट हो गया। अभी अपना सब कुछ सिलेक्टेड हो चुका है, हमने 85 प्लेसमेंट सिलेक्ट किए हैं, ये हो गया अपना प्लेसमेंट। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल वीडियो ऐड है, वो वीडियो चाहिए हमें, तो अभी वो 15 सेकंड से कम वाला चाहिए, तो 15 सेकंड से कम वाला तो शायद एक भी नहीं है, देखना पड़ेगा। ये 26 सेकंड है, ये 33 सेकंड है, 13 सेकंड्स। ओके, ये वाला है, एक काम करते हैं, एक ट्राई करते हैं थोड़ा बड़ा वाला यूज़ करने के लिए। ये 11 सेकंड का है, तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन ठीक है, चलो इसको यूज़ करके देख लेते हैं कि ये लेता है कि नहीं। ओके, तो बोल रहा है कि दिस वीडियो इज़ टू लॉन्ग, चूज़ अ वीडियो दैट 7 to 15 सेकेंड्स। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि जो एक एक दो दो घंटे के भी रहते हैं, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, अगर वो लेता है कि नहीं। कॉल टू एक्शन बटन अगर चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे साइन अप। साइन अप यूज़ किया, हेडलाइन कुछ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर लिमिटेड 15 है, और ये जो नाम है ये 15 कैरेक्टर से ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पर ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट चैनल का नाम आ रहा है। ये हो गया, और फिर यहाँ पर एक राइट हैंड साइड पर छोटा सा इमेज आएगा, उसके लिए हम लोग एक इमेज यूज़ कर सकते हैं अपलोड,
और हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते कि जो पहले हमने यूज़ किया है वो वाला इमेज हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला इमेज है, ये वाला है, ये वाला है, तो इसमें से कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलो ये वाला इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर ऐड का जो नाम है वो अपना जो कैंपेन का नाम है वही यूज़ करना है, ताकि हमें पता चले कि भाई ये कौन सा ऐड जो है ये कौन से कैंपेन के नीचे है। तो यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया ये वाला। और ओके, यहाँ पर एक इशू है, कॉलेज कोर्स हमें यहाँ पर ये कॉलेज वाला जो ये है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो जो कीवर्ड है कॉलेज, ये कॉलेज कोर्स, तो ये एक कीवर्ड निकालना पड़ेगा। ये हो गया अभी। ओके, अभी यहाँ पर 10,000 इम्प्रेशन बता रहा है। अगर मैं ये कीवर्ड्स निकाल देता हूँ तो क्या होता है, चलो देखते हैं। 20,000 इम्प्रेशन हो गया, तो मतलब डबल हो गया। तो लेकिन ये रखना ठीक है, आई मीन कुछ इश्यू नहीं है। हाँ, अगर निकालना है तो टॉपिक वगैरह निकाल सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है। 10,000 है, देखो 50,000 हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये हो गया, अभी प्लेसमेंट भी निकाल देंगे तो और बढ़ जाएगा। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर दिस वीडियो इज़ टू लॉन्ग, चूज़ अ वीडियो डैट 7 to 15 सेकेंड्स, ठीक है चलेगा। वो फ़िलहाल हम लोग वैसे ही रखते हैं, बाद में देखते हैं। यहाँ पर टारगेट सीपीएम देखो 196 रुपीज़ एंड 77 पैसा है, तो ये काफ़ी महंगा है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वही अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा, और फिर बाद में हम लोग यूज़ करेंगे क्रिएट कैंपेन। हाँ, नहीं, बोलो ना। टाइमिंग का जो बताया था मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है वीडियो का। समझो अभी सुबह 11 बजे से ये एड्स आना चालू हो गया, तो हाँ, हम टाइमिंग कितना सेट कर सकते हैं उसको? आप 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। कभी हम यूट्यूब पे समझो पिक्चर वगैरह देख रहे हैं तो हाँ ऐसे एड्स बीच बीच में आते हैं, तो हाँ फिर मैं कभी भी देखता हूँ तो 11, 10, 10:30 बजे के बाद वो एड्स आने ही बंद हो जाते हैं। वो ऐसा सिस्टम हाँ है? वो हाँ, उन्होंने एक आदमी को एक बार या दो बार ही एड देखने के लिए उन लोग ने सेट किया। जो फ्रीक्वेंसी कैपिंग हमने सेट किया ना, कि एक आदमी को हमारा एड, हमने क्या सिलेक्ट किया है, एक हफ्ते के अंदर वो आदमी को हमारा एड एक ही बार देखा, मतलब पूरे हफ्ते के अंदर अगर एक बार एड देख लिया तो दूसरी बार नहीं आएगा, वो पूरे हफ्ते में नहीं आएगा, दूसरे हफ्ते में ये वापस आ सकता है। वैसे बीच बीच में ऐसी एड्स जो आती है हाँ वो समझो अभी मेरे वीडियो भी निकाला हुआ है, हाँ ऐसे बीच बीच में ऐसी एड आती रहती है, तो हाँ मैंने 7 बार किया तो 7 बार आती, अलग अलग एड 7 बार आती रहती है, हाँ बराबर है। आपका तो एक बार ऐसी ये आती है तो हाँ, तो बराबर है ना। मैंने कट हाँ किया वापस आएगी या शायद नहीं आएगी, ऐसे 6, 5, 7 बार हाँ आएगी, फिर 11 बजे बराबर, के बाद वो बंद हो जाती है, वैसे सिस्टम हाँ है। हाँ वैसे ही वैसे ही हमने सिलेक्ट किया हुआ है ना, कि कितने बजे से कितने बजे तक वो ऐड आना चाहिए और कितनी बार आना चाहिए, वो हमने सेट किया हुआ है हर एक वीडियो इसके। पे होता हाँ है या डिफरेंट डिफरेंट होता नहीं, वो तो ये तो हर एक एडवर्टाइज़र सेट करता है ना, है? इसके अच्छा अंदर गूगल के कंट्रोल में कुछ नहीं है, हमने सेट किया हुआ है ना उस हिसाब से। तो ये हो गया हमारा, और फिर अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्रिएट कैंपेन। तो अभी यहाँ पर कंबाइन मल्टीपल कंटेंट्स टारगेटिंग मेथड कैन लिमिट योर कैंपेन, देखो ये क्या बोल रहा है, मल्टीपल मेथड्स कंबाइन करने से हमारा टारगेट जो है वो कम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड्स निकाल देता हूँ, तो अभी ये 50,000 है, 80,000 हो गया, हमने टॉपिक्स भी निकाल दिया, और अभी हमारे पास सिर्फ प्लेसमेंट है, तो ये 80,000 तक जा रहा है। अभी मान लो कि अगर मैं यहाँ पर प्लेसमेंट भी निकाल देता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी देखो 910 मिलियन को जा रहा है, तो ये इतने सारे लोगों तक हमारा ऐड जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये वाला सिलेक्ट करना है, क्यों, हमने ऑलरेडी हमारा टारगेट ऑडियंस तो सिलेक्ट किया है ना, तो कुछ इश्यू नहीं है। तो ये हो गया, उसके बाद में मैं क्रिएट कैंपेन करूँगा। अभी ये वीडियो का एरर आ रहा है, तो अभी इसके अंदर ये वीडियो चेंज करना पड़ेगा, तो देखते हैं कौन सा ले सकते हैं। ये वाला छोटा ही लेना पड़ेगा। ओके, ये वाला है जो 10 सेकंड का है, तो चलो ये वाला यूज़ करते हैं। तो ये ले लिया, और
और अभी हम क्लिक करेंगे क्रिएट कैंपेन, तो ये हो गया हमारा और ये कैंपेन रेडी हो गया, कंटिन्यू टू कैंपेन। और फिर अभी हम लोग हमारा एड्स देख सकते हैं, यहाँ पर एड्स एंड एसेट्स के अंदर हम लोग एड्स को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा ऐड आ गया। इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड दिखाई देगा, कि वो कैसे दिखाई देगा, ये यूट्यूब के ऊपर और गूगल वीडियो पार्टनर्स को कैसे दिखाई देगा, फिर डेस्कटॉप लैपटॉप पे कैसा दिखाई देगा और टीवी के ऊपर कैसा दिखाई देगा। तो टीवी का प्रीव्यू नहीं है, तो यहाँ पर टीवी का प्रीव्यू बता रहा है, तो ये यूट्यूब का प्रीव्यू टीवी पे दिखाई देगा, तो ये ठीक है। और अभी अगर मुझे जो है मुझे यूट्यूब पर देखना है, तो यहाँ पर मैं प्रीव्यू ऑन यूट्यूब करूँगा, तो ये यूट्यूब पर मेरा ऐड कैसा दिखाई देगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर वीडियो विल प्ले आफ्टर द ऐड, अभी यहाँ पर सेकंड्स नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों को कंपलसरी ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन स्किपेबल एड्स है ना इसके लिए। तो ये इस तरह से हमारा ऐड हम लोग रन कर सकते हैं, नॉन स्किपेबल एड्स। तो ये हो गया और फिर हमारा ऐड प्रीव्यू में जाएगा, पॉलिसीज़ वगैरह चेक होगी और फिर हमारा ऐड रन होगा अगर हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस है तो। ये हो गया हमारा वीडियो वाला ऐड। तो अभी देखते हैं इसके अंदर हम और कौन सा यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कौन सा कैंपेन हम लोग रन करते हैं। तो हमने किया ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, तो इसके अंदर हमने वीडियो का किया था, वीडियो के अंदर हमने ये वाला एड सीक्वेंस और ऑडियो, ऑडियो तो हमारे पास है नहीं तो ये नहीं कर सकते। डिस्प्ले तो हमने किया, उसके अंदर बैनर वगैरह सब आता है तो वो वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी है ऐप प्रमोशन ऐड, तो ऐप प्रमोशन के अंदर ऐप का ही ऐड है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमको यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट चाहिए। अभी लोग इंस्टॉल करेंगे तो एंगेजमेंट तो करेंगे ही, तो वो डेफिनेट है। और अगर हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने फिर भी इंस्टॉलेशन का किया तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो लोग करेंगे ना, ऐप खोलने के लिए लोग रजिस्टर तो करेंगे, फिर ऐप के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों एड्स के अंदर अगर ये सिलेक्ट किया तो इसके अंदर ये दोनों भी आ जाता है। तो ये ऑल इन वन ऐड है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है ऐप इंस्टॉलेशन। तो ऐप इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा, ऐप एंगेजमेंट भी हो जाएगा और ऐप प्री रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो ये ऐप इंस्टॉलेशन हम करेंगे। फिर पूछते हैं कि भाई आपका जो ऐप है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, तो मैं बोलूँगा एंड्रॉयड पे है। तो एंड्रॉयड पे है तो यहाँ पर मैं अपना ऐप सर्च कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ऐप दिखाई दे रहा है, तो ये वाला मैं ऐप सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरा ऐप आ गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा ऐप प्रमोशन, या तो मैं सिलेक्ट करूँगा ऐप ऐप इंस्टॉलेशन, और फिर कौन सा ऐप है, एल्पोपीडिया का ऐप है, ये हो गया। और फिर यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा और फिर यहाँ पर लोकेशन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लोग अभी ये ऐप है तो लोग किधर से भी, पूरी दुनिया से भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं और लोकेशन से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं इंडिया सिलेक्ट करूँगा। लोकेशन ऑप्शन रिकमेंडेड जो ऑप्शन है वही रखना है, जहाँ पर लोग रहते हैं उनको ऐड दिखाई देगा, जो लोग रेगुलरली वो जगह पे ट्रैवल करते हैं उनको ऐड दिखाई देगा, और जो लोग दूसरे सिटी से हमारा ऐड सर्च करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन खारघर, तो उनको भी हमारा ऐड दिखाई देगा। तो ये लोकेशन ऑप्शन जो रिकमेंडेड है वही यूज़ करना है। और लैंग्वेजेस हमारा, हम हर एक लैंग्वेज के लोगों को हमारा ऐड दिखाना चाहते हैं, इसके लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं, इसके लिए यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पर ऑल लैंग्वेजेस ऐड करेंगे। फिर बाद में आता है यहाँ पर मोर सेटिंग्स, जिसके अंदर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट यूज़ करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट मैं ऐड करूँगा, कल का स्टार्ट डेट चाहिए और एंड डेट चाहिए 30 सितंबर का। और मोर सेटिंग के अंदर डेटा फीड, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट्स वगैरह है गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर, तो अगर ये यूज़ करना है तो ये हम लोग यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके लिए फ़िलहाल हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये हम लोग अनचेक कर देंगे ऑप्शन। तो ये हमको फ़िलहाल यूज़ नहीं करना है, तो ये नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर पैसा के भाई एवरेज डेली बजट कितना यूज़ करना है, तो मैं बोलूँगा 500 रुपया खर्च करना है।
बिडिंग इंस्टॉल वॉल्यूम चाहिए या एक्शन चाहिए या एक्शन वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूँगा वॉल्यूम चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन चाहिए, तो इंस्टॉलेशन का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। और फिर यहाँ पर ट्रैक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हेल्प ओपीडी इंस्टॉलेशन गूगल प्ले से ट्रैक करेंगे कि भाई कितना इंस्टॉलेशन हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर कौन से टाइप के यूज़र्स को टारगेट करना है, ऑल यूज़र्स हमने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पर यूज़र्स लाइकली टू परफॉर्म एन इन ऐप एक्शन, तो ये वाले यूज़र्स और बाकी टाइप के यूज़र्स भी, तो हम लोग ऑल यूज़र्स सिलेक्ट करेंगे, तो जिसके अंदर ये वाले यूज़र्स भी आ जाएंगे तो ऑल यूज़र्स करेंगे। और फिर अभी यहाँ पर सेट टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉल, तो एक इंस्टॉलेशन का हमें गूगल को कितना पैसा देना है, तो यहाँ पर लिखा है कि 5 रुपया 56 पैसा हम लोग मिनिमम हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो वो अप्लाई कर देते, तो ठीक है चलो 5 रुपीज़ 56 पैसा है तो हम लोग 5 रुपीज़ 75 पैसा कर देंगे, तो हमारा ऐड थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये हो गया। और फिर बाद में नेक्स्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर हेडलाइंस वगैरह यूज़ करना है, तो हेडलाइंस के लिए मैं अपने नोटपैड से मैं ले लेता हूँ कंटेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सारे के सारे हेडलाइंस। यहाँ पर थोड़ा कैरेक्टर का लिमिटेशन है, 30 कैरेक्टर्स ही अवेलेबल है, तो ये हो गया हमारा 5 हेडलाइन। अभी यहाँ पर एक, अच्छा यहाँ पर एक और बाकी है, बूस्ट योर कैरियर टुडे, ये हो गया। अभी यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है 90 कैरेक्टर्स का, तो ये भी 5 यूज़ करना है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ये पूरा मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, ये हो गया। फिर दूसरा, अनलॉक सक्सेस विथ आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस एनरोल टुडे। फिर गेट अहेड इन डिजिटल वर्ल्ड जॉइन आवर टॉप रेटेड कोर्सेस नाउ, ये वाला हो गया। उसके बाद में एनहेंस योर कैरियर विथ आवर इंडस्ट्री लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन क्लासेस यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अलग अलग जगह से लोग आ सकते हैं। फिर बाद में स्टे रेलेवेंट इन द डिजिटल एज, एनरोल इन योर कोर्स, एनरोल इन आवर कोर्स टुडे। ओके, ये वाला भी हो गया, तो 5 हेडलाइन हो गया, 5 डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी 20 इमेज ऐड करने हैं, तो इमेजेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपके पास इमेजेस नहीं है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं, और ये फ्री स्टॉक इमेजेस में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड एंटर करेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ऐप, तो अभी वो उसके रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर बताएंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये इमेज यूज़ कर सकते हैं ये वाला, तो हमारे पास नहीं है तो हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तो एक हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, और फिर यहाँ पर ये 4 हो गया, यहाँ पर ये हो गया, 3 सिलेक्टेड हो गया। ओके, और फिर ये वाला सिलेक्ट कर दिया हमने, और ठीक है ये वाला भी सिलेक्ट कर दिया हमने, 17 हो गया। और उसके बाद में लोड मोर, तो और भी इमेजेस दिखाएंगे वो लोग, तो चलो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और चलो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर 20 हो गया, तो अभी मैं और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन जो सिलेक्टेड है उसमें से एक आध मैं डिलीट करके ये वाला मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा 20 इमेज, तो ये मैं करूँगा सेव यहाँ पर। तो ये मेरे सारे इमेजेस आ गए, अभी मैं वीडियो भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐड अप टू 20। तो 20 इमेजेस, 20 वीडियो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, फिर ये छः वाला, ये सात, आठ, नौ, 10, 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा 15 ही हुआ है, अच्छा 16 हो गया, 16, 17, 17 और ठीक है, चलो 17 वीडियोस यूज़ कर लेते हैं, इसको सेव करता हूँ। ये हो गया हमारा वीडियोस, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 हो गया। और एडवांस ऑप्शन के अंदर क्या है, ऐप यूआरएल, तो ऐप यूआरएल तो हमने ऑलरेडी ऊपर ऐड किया हुआ है, तो वापस डबल डबल बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, तो हेडलाइंस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, सब कुछ हो गया। अभी ये हमारा ऐप इस तरीके से अलग अलग जगह पर दिखाई देगा, ये देखो, तो ये देखो, तो ये हमारा ऐप इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो है ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में ऐसा दिखाई देगा, सर्च में देखते हैं कैसा दिखाई देगा, सर्च में इस तरीके से दिखाई देगा, और YouTube के अंदर कैसे दिखाई देगा, YouTube के अंदर ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर स्किपेबल एड्स आ सकता है, ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर डिस्कवर के अंदर ये देखो, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर नीचे भी आ रहा है, तो इस तरीके से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर डिस्कवर के अंदर ये देखो, यहाँ पर ये आ गया डिस्कवर के अंदर, ये हो गया। और फिर गूगल के अंदर, तो डैट इज़ गूगल प्ले, गूगल प्ले स्टोर के अंदर हमारा जो ऐड है इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस तरीके से ऐड आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा गूगल प्ले का एड्स, तो ये सब इस तरीके से एड्स दिखाई देंगे। अभी नेक्स्ट करते हैं, और अभी सब रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया सब कुछ, हमने जो यूज़ किया हुआ है वो, और फिर यहाँ पर पब्लिश कैंपेन, तो अभी हमारा कैंपेन पब्लिश हो गया। तो अगर हमारे पास मोबाइल ऐप है तो हम लोग इस तरीके से हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं। हाँ, ये ऐड ऐसा है कि जिसके पास मोबाइल ऐप है वही कर सकते, बाकी लोग नहीं कर सकते, तो ऐसा है। फिर उसके बाद में अभी हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास न्यू कैंपेन है। ओके, तो अभी हमने ऐप प्रमोशन किया, अभी लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन, ये बड़ा ऐड है, तो ये परफॉर्मेंस मैक्स है। परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, उसके अंदर टेक्स्ट आता है, डिस्प्ले आता है, वीडियो आता है, फिर डिस्कवर आता है, सब कुछ आता है इसके अंदर। तो ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स, और फिर यहाँ पर यूज़ ऑल लोकेशन, तो इसके पास हमारे पास एक पहले लोकेशन होना ज़रूरी है। लोकेशन का मतलब क्या होता है, अभी जैसे यहाँ पर जो है मैं सर्च करता हूँ मेरा नाम, यहाँ पर मेरा नाम सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली राइट हैंड साइड पर सब कुछ आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वाला जो है ये होना चाहिए इस तरीके से, तो ये जो है मेरा ये वाला लोकेशन है, तो ये लोकेशन अपना ऑलरेडी गूगल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा लोकेशन ग्रुप, तो ये वाला वन लोकेशन ग्रुप सिलेक्ट कर लूँगा, ये वाला सिलेक्ट कर दिया, सेव कर दिया, और फिर बाद में यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, और फिर यहाँ पर कैंपेन का नाम लोकल स्टोर विजिट,
यूज़ करूँगा और फिर कंटिन्यू करूँगा और फिर लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन परफॉर्मेंस स्टार्ट न्यू। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, कन्वर्जन चाहिए। तो ये जो है ये लोकल स्टोर विजिट है, मतलब हमारा स्टोर ऑफलाइन है और हम लोगों को बुला रहे हैं, तो यहाँ पर कन्वर्जन रहेगा तो भी ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू नहीं चाहिए, हमको कन्वर्जन चाहिए। तो ये हो गया। और फिर कन्वर्जन के लिए हम लोग कॉस्ट पर एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग 2 रुपया देंगे, तो अगर 2 रुपया सही है तो कोई एरर नहीं आएगा, नहीं तो ज़्यादा आएगा। ये देखो 2 रुपये के अंदर कोई एरर नहीं आ रहा है, वीकली कन्वर्जन 2 होगा, लेकिन 2 रुपया किया तो पूरे हफ्ते के अंदर 2 कन्वर्जन होगा और वीकली कॉस्ट होगा 3 रुपया 40 पैसा। तो हम यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैंने 10 रुपया रखा तो वीकली कन्वर्जन देखते हैं कितना होता है, 9 कन्वर्जन होगा और वीकली कॉस्ट होगा 85। तो ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने 100 रुपया रखा तो देखते हैं क्या आता है, वीकली कन्वर्जन कितना होता है, 72 वीकली कन्वर्जन होगा और वीकली कॉस्ट होगा 6000 रुपीज़। तो क्योंकि हमने यहाँ पर 100 रुपये रखे, तो चलो यहाँ पर हम लोग 50 कर देते हैं या 25 कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर 170 हो गया वीकली कॉस्ट। वीकली कॉस्ट हम कितना पे कर सकते, एक हफ्ते का हम लोग जहाँ पर 500 रुपया दिन का स्पेंड करते थे, तो उस हिसाब से सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। तो मैं वापस इसके अंदर मैं 500 रुपया रखता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो 500 रुपया रखता हूँ तो 3500 यहाँ पर वीकली कॉस्ट, यहाँ पर 170 बता रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा और फिर यहाँ पर रिव्यू योर कैंपेन, तो हमने जो भी ऐड किया है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। लोकल स्टोर विजिट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कॉन्टैक्ट, ये एसेट ग्रुप, तो एसेट ग्रुप के अंदर यहाँ पर 2 लोगों, यहाँ पर एसेट ग्रुप 1। तो ये हमारा है जो है, इसका नाम है लोकल स्टोर विजिट। और फिर यहाँ पर हमारा जो है ऐड का यूआरएल, हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है वो ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया। और फिर 20 इमेज वापस चाहिए, तो वापस हम लोग 20 इमेज ऐड करेंगे। तो ये जो हमने यूज़ किया है वही वाले इमेजेस यूज़ कर लेंगे, 1 2 3 4, ये 5 और 6 7, और किधर गया, व्यू ऑल करते हैं। ओके, ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये 16 हो गया और ये वाला भी ठीक है, और हमारा लोगो भी ऐड कर देते हैं। तो ये वाला 20 हो गया अभी हमारा, इसको सेव कर देते हैं। 20 इमेजेस हो गया और लोगोस, तो यहाँ पर 2 लोगो ऑलरेडी एडेड है। और फिर यहाँ पर वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, 5 वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा वीडियो, तो 1 2 और ये वाला सिलेक्ट करेंगे और ये वाला सिलेक्ट करेंगे, या तो फिर ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, 5 हो गया अपना, सेव कर देंगे। तो हमारा वीडियोस भी हो गया। अभी हेडलाइंस वगैरह देखते हैं, तो हेडलाइंस हमें
मैक्सिमम 15 ऐड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हेडलाइंस। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर SEO कोर्स इन नवी मुंबई, फिर मोबाइल मार्केटिंग कोर्सेस, फिर SEM कोर्सेस इन खारगर, फिर गेट डिजिटली रेडी इन 21 डेज, कैरेक्टर का ध्यान रखना है 30 कैरेक्टर्स ही है हमारे पास, और बूस्ट योर कैरियर टुडे, और लर्न द स्किल्स ऑफ टुमारो। क्या यूज़ करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ये हो गया। और अभी हमने कितना एडलाइंस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 किए हैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ टुडे, ये हो गया हमारा हेडलाइंस। काफ़ी हेडलाइंस हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग लॉन्ग हेडलाइन यूज़ करना है, तो ये लॉन्ग हेडलाइन हो जाएगा, और वापस और लॉन्ग हेडलाइन है तो और एक यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट योर डिजिटल कैरियर, फिर एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विथ 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये भी हो गया। अभी यहाँ पर ठीक है, ये इतना हो गया। अभी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, 4 डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो ठीक है यहाँ से करते हैं हम लोग।
अनलॉक योर सक्सेस विथ आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एनरोल टुडे। इसको क्या हो गया? एनरोल टुडे के बदले एनरोल कर देते हैं सिर्फ, या एनरोल निकाल देते हैं। सिर्फ एनरोल अच्छा नहीं लगता है। और फिर गेट अहेड इन डिजिटल वर्ल्ड, ज्वाइन अवर टॉप रेटेड कोर्स नाउ। ये भी हो गया। फिर एनहेंस योर कैरियर विथ इंडस्ट्री लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। तो ये भी हो गया। और यहाँ पर ऑनलाइन लिखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस, ये भी हो गया। और यहाँ पर एक और डिस्क्रिप्शन, स्टे रिलेवेंट इन डिजिटल एज, एनरोल इन आवर कोर्सेस टुडे। तो ये भी हो गया। अभी एक और, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा एक और चाहिए। तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे एक और, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी किक स्टार्ट योर कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी हो गया। अभी यहाँ पर बिजनेस का नाम आ गया। यहाँ पर कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड यूज़ करना है। और फिर यहाँ पर मोर एसेट टाइप्स के अंदर हमको क्या यूज़ करना है, जैसे साइट लिंक यूज़ करना है, तो साइट लिंक वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब साइट लिंक्स मतलब हमारी वेबसाइट के दूसरे लिंक्स, दूसरे पेजेस के लिंक्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कोर्स का सिलेबस है, गेट ऑफर्स है, तो जो भी पेजेस है हमने ऐड किए यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो ये दो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो साइट लिंक्स ऐड हो गया। फिर यहाँ पर प्रमोशन के अंदर, यहाँ पर अगर हमको कुछ प्रमोशन ऐड करना है, तो जैसे प्रमोशन के अंदर कैसा है, न्यू ईयर्स ऑफ़र वगैरह है, 25% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, तो ये वाला यूज़ करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर 25% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये एक ऑफ़र हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर अगर प्राइजेस भी ऐड करने हैं तो प्राइजेस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी कुछ प्राइजेस ऐड करके रखे हुए हैं, अगर आपने ऐड नहीं किए तो यहाँ पर आप न्यू प्राइस कर सकते हैं। फिर वहाँ पर प्रोडक्ट का नाम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हेडिंग लिख सकते, प्राइजिंग लिख सकते, डिस्क्रिप्शन, URL, तो वो प्रोडक्ट कहाँ पर लिस्टेड है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से तो ये हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। प्राइजिंग जो है यहाँ पर हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स प्रोग्राम 35,000, डिप्लोमा इन 60,000, मास्टर्स प्रोग्राम इन 10,000। तो ये हो गया। इसके अंदर अगर हम लोग को, मुझे एक और चीज़ ऐड करनी, यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम हो गया 35,000। फिर यहाँ पर ये उसका कोर्स का पेज है, डिप्लोमा हो गया, मास्टर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, डिप्लोमा हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, कौन सा बच रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिप्लोमा, मास्टर, हाँ बैचलर्स कम, बैचलर्स नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, हम यहाँ पर एडिट विल अप्लाई टू टू कैंपेन्स, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐड प्राइस एसेट। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हेडर है तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बैचलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये हो गया। तो ये थोड़ा बढ़ रहा है, बैचलर्स ऑफ मार्केटिंग ये यूज़ करेंगे। प्राइसिंग उसका रहेगा 1,10,000। और यहाँ पर पर यूनिट, पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पर नाइट, यूनिट्स नहीं यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, बैचलर्स ऑफ डिजिटल
मार्केटिंग यहाँ पर भी इशू है। ओके फाइनल यूआरएल, तो फाइनल यूआरएल वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देते हैं। फिलहाल कोई कोर्स का पेज है नहीं वेबसाइट के ऊपर, बन रहा है, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर मोबाइल फाइनल यूआरएल, तो ये ऑप्शनल है, तो ये हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन हेडर एंड डिस्क्रिप्शन मस्ट बी डिफरेंट। ओके तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन डिजिटल मार्केटिंग, ये हो गया। अभी इसको सेव करेंगे तो ये हो गया। तो अभी इस तरीके से प्राइस भी डिस्प्ले करेगा ऐड के अंदर, तो ये हो गया। इसको अप्लाई कर दिया तो ये प्राइसिंग भी ऐड कर दिया। कॉल भी ऐड करना है, लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर भी यूज़ करूँगा, तो हाँ ये वाला, तो ये फ़ोन नंबर भी ऐड हो गया मेरा। अभी कॉल आउट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉल आउट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जैसे कॉलर्स, गेट ऑफर्स, सब्सक्राइब नाउ, बुक योर सीट नाउ, ठीक है। तो ये वाला यूज़ कर लिया कॉल आउट्स। और यहाँ पर लीड फॉर्म भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो हमने लीड जनरेशन क्या ऐड किया था, उसके अंदर हमने जो यूज़ किया था, एक फॉर्म यूज़ किया था, तो वो फॉर्म हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा यूज़ करेंगे, लीड 2023 ये वाला फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे। इसको अप्लाई करेंगे तो लीड फॉर्म भी आ गया। लोकेशन भी ऐड करना है तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो लोकेशन ऐड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर अपने पास कोई फिज़िकल इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर लोग आ सकते हैं। यहाँ पर मोर ऑप्शंस के अंदर डिस्प्ले पाथ, तो डिस्प्ले पाथ यूज़ नहीं करना है। यूज़ अ डिफरेंट फाइनल यूआरएल फॉर मोबाइल, तो दोनों का सेम ही है, कुछ इश्यू नहीं है। कस्टम लेबल भी ठीक है, तो ये कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। हाँ ये स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक बाकी रह गया था, तो ये देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड स्निपेट के अंदर क्या होता है कि एक अलग से बॉक्स जैसा आता है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, जैसे कोर्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो ये वाला अगर मैंने यूज़ किया तो ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा, कोर्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन डिप्लोमा प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्राम, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं वो इस तरीके से यहाँ पर सब लिस्टेड हो जाएंगे। तो ये आ गया स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। तो स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में होता क्या है, एक वैल्यू होता है, एक दो तीन वैल्यू होता है, तो इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट हेडर, तो ये क्या है, कोर्सेज, तो यहाँ पर कोर्सेज सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये कोर्सेज है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरीके से आएगा। तो हमने वैसे ही यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर ये वाला जो है हमने वैसे ही सिलेक्ट किया है, कोर्सेज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम, तो इस तरीके से। तो ये आ गया, तो ये भी सेव हो गया। चलो तो मतलब हमने एक ऐड के अंदर सब कुछ यूज़ कर दिया। तो इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हमने प्रमोशन यूज़ किया 25% डिस्काउंट वाला। यहाँ पर हमने प्राइजिंग भी ऐड किया, तो वो प्राइजिंग भी दिखाई दे रहा है ऐड के अंदर। फिर यहाँ पर कॉल भी, हमारा फ़ोन नंबर भी ऐड किया। यहाँ पर कॉल आउट भी हमने यूज़ किया, जैसे कॉलर्स, गेट ऑफर्स वगैरह ये सब चीज़ किया। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट भी हमने यूज़ किया और लीड जनरेशन फॉर्म भी यूज़ किया। तो एक ऐड के अंदर सब कुछ ऐड आ जाता है, तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद में ऑडियंस सिग्नल ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, ये मेरा एवरेज बजट है, फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। किधर तो भी इशू है, देख लेते ऐड एसेट के अंदर किधर तो भी इशू है। ऐड एन ऑडियंस सिग्नल, चलो ऐड ऑडियंस सिग्नल करते हैं। तो यहाँ पर ऑडियंस सिग्नल, तो यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट और नेक्स्ट, तो ये हमारा ऐड हो गया। और फिर अभी इसको हम पब्लिश कैंपेन कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐड कंप्लीट हो गया। तो ये है परफॉर्मेंस ऐड जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो बस ये सारे एड्स हैं यहाँ पर इतने।
और इसके अंदर एक और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने न्यू कैंपेन किया और क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस के अंदर हमारे पास ये स्मार्ट ऑप्शन था। डिस्कवरी हमने देखा, वो हमारा ऐड आ रहा था। डिस्कवरी जो वीडियो ऐड कर रहे थे उसके अंदर यूट्यूब डिस्कवरी के अंदर आ रहा था, जीमेल के अंदर भी आ रहा था। तो ये जो स्मार्ट ऐड है ये हम लोग देखते हैं। रीच कस्टमर्स विथ वन स्टॉप सॉल्यूशन बिल्ट फॉर स्मॉल बिजनेस। चलो ये देखते हैं क्या है। कंटिन्यू। तो यहाँ पर बिजनेस का नाम पूछ रहे हैं तो वो ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट योर वेबसाइट, तो वो भी चलो ऐड कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्कैनिंग योर वेबसाइट, वेबसाइट में कुछ नहीं मिलेगा भाई। गेटिंग सजेशंस, थैंक्स पीपल कम बैक हियर आफ्टर दे क्लिक टू योर ऐड। ओके, मोबाइल में ऐसा दिखाई देगा, डेस्कटॉप पे ऐसा दिखाई देगा। ओके नेक्स्ट। और यहाँ पर गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स, गेट मोर विजिट्स टू फिजिकल लोकेशन, गेट मोर व्यूज़ एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब। तो ये तो वही हो गया, तो जो हमने सब कुछ किया है वही सब लास्ट में आ रहा है डिस्कवर। ये स्मार्ट ऐड के अंदर ये पूरा कैंपेन स्टार्ट से ही हो रहा है, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स लीड्स, तो ये वही है। तो मतलब इसके अंदर कुछ नया नहीं है, तो ये सारे तो हमने ऑलरेडी कर दिए थे, तो ये भी सेम ही है। तो इसके अंदर ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब सारे जो कैंपेन्स थे ये तो हमने ऑलरेडी किए, जिसके अंदर वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह सब कुछ था, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये है, ये सारे जो कैंपेन्स हमने स्टार्ट किए थे लेकिन कंप्लीट नहीं किए, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, ये सारे ठीक है, अनेबल टू डिलीट बोल रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमारा गूगल एड्स यहीं पर ख़त्म होता है। तो अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग अभी क्या देखेंगे, चलो देखते हैं। गूगल एड्स कंप्लीट हो गया हमारा, सर्च कंसोल हो गया, टूल्स हो गया, सर्च इंजन हो गया, ठीक है। चलो गूगल एड्स कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग देखेंगे हमारा फेसबुक मार्केटिंग हम लोग देखेंगे। तो फेसबुक मार्केटिंग तो अभी जितना बोरिंग पार्ट था वो सब ख़त्म हो गया, अभी सब इंटरेस्टिंग चालू हो रहा है सोशल मीडिया। तो उसके अंदर हम लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग देखेंगे। इंटरेस्ट आ गया ना? यस। तो मतलब हाँ, गूगल एड्स वगैरह जो है सर्च कंसोल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो इंटरेस्ट तो ऐसा है ना कि अगर हम लोग ध्यान देंगे, अगर सब कुछ समझ में आएगा तो यस डेफिनेटली सब में इंटरेस्ट आएगा, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा, ऐसा है ये सब चीज़। तो अभी और इंटरेस्टिंग आएगा सोशल मीडिया, जिसके अंदर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग से स्टार्ट करेंगे। और फिर बाद में जैसे हमने गूगल एड्स किया वैसे फेसबुक के भी एड्स है, तो फेसबुक एड्स भी हम लोग करेंगे, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। हम लोग फेसबुक ये करेंगे। तो आज वेनसडे है तो फ्राइडे को हमारा क्लास होगा, तो फ्राइडे के अंदर हम लोग वो देख लेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है वैभव, अगर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा तो
डिस्कनेक्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है, सर, फाइन, ओके, गुड बाय, गुड नाइट। ठीक है। या।